नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। सॉलिड स्टेट के अंदर जो हमने डीबोई मॉडल स्टार्ट किया था उसकी एक पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं और उसके अंदर हमने लास्ट में कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात की थी। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आपको आई बटन में वो मिल जाएगा या वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन के ऊपर आपको उसका जो परफॉर्मा वो मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो आज हम पार्ट नंबर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे और उसमें आएगा डीबे अप्रोक्सीमेशन कि डीबोई सन्निकटन क्या होता है। जैसे हमने इसके जस्ट पहले वाले पार्ट के अंदर जेड ओमेगा डी ओमेगा जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात की थी, उसके अंदर डीबोई मॉडल ने थोड़ा सा चेंज करके और टोटल कंपन विधाओं की संख्या को 3n के इक्वल करके अपना जो रिजल्ट है वो दिया है। इसके बाद हम मीन एनर्जी और उसके बाद हम स्पेसिफिक हीट ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। डीबोई सिद्धांत के अनुसार ठोस को सतत माध्यम मानते हैं, यानी जो सॉलिड है उसको कंटिन्यूस मीडियम में माना जाता है अकॉर्डिंग टू डीबोई। तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं और इसी को एग्जाम में आप लिखेंगे कम शब्दों में तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, आपका टाइम भी बचेगा। यदि ठोस में परमाणुओं की संख्या कैपिटल एन हो, मान लीजिए कि जो सॉलिड है उसमें नंबर ऑफ एटम कैपिटल एन है, तो परसमानीय कंपन विधाओं की संख्या जो है यानी कि जो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो 3n होगी अकॉर्डिंग टू डीबोई मॉडल। 3n का मतलब है कि टोटल स्पेस के अंदर जिस प्रकार से हम मान लेते हैं dx dy dz, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो एटम है वो n है और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ मोड्स हैं यानी कंपन विधाओं की संख्या है वो यहाँ पे 3n के बराबर ली जाती है। ये आइंस्टीन मॉडल के अंदर भी आया था। जिनकी आवृत्ति 0 से ओमेगा डी तक सीमित होगी, यानी कि ओमेगा डी है वो उसे हम कहते हैं डीबोई आवृत्ति डीबोई फ्रीक्वेंसी। देखिए आइंस्टीन मॉडल के अंदर आइंस्टीन ने यह कहा था कि जो सभी दोलक है उनकी आवृत्ति एक समान होती है, सभी दोलक एक समान आवृत्ति से कंपन करते हैं, जबकि डीबोई ने यह कहा था कि उन दोलकों की जो आवृत्ति है वो जीरो से स्टार्ट होकर ओमेगा डी तक कुछ भी हो सकती है, यानी जीरो से ओमेगा डी तक लगातार चेंज होती है और ओमेगा डी उन्होंने अपना जो लिमिटेशन है वो दी है कि ओमेगा डी तक वो चेंज होगी। और इसकी वैल्यू भी हम ज्ञात करेंगे कि ओमेगा डी जो है वो किन पर डिपेंड करते हैं, कितनी वैल्यू आएगी। तो यहाँ तक इनकी जो फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति है वो क्या होती है, सीमित होती है। तो इसलिए कुल कंपन विधाओं की संख्या जो टोटल नंबर ऑफ मोड्स है वो क्या होंगी, तो यहाँ पर जेड ओमेगा डी ओमेगा हमने ज्ञात किया था कंपन विधाओं की संख्या को, तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगी जीरो से ओमेगा डी जेड ओमेगा डी ओमेगा और टोटल कंपन विधाओं की संख्या जो है वो 3n के बराबर होती है, तो यहाँ पे बराबर में आ जाएगा 3n, इक्वेशन नंबर आ जाएगी 9। अब इक्वेशन नंबर 9 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाली वीडियो के अंदर जो इसका पार्ट फर्स्ट था वहां पर हमने 8 नंबर इक्वेशन तक जो डेरिवेशन है वो किया था और आपको यहाँ पे बताएंगे कि 8 नंबर इक्वेशन कौन सी थी। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 8 यानी कि आपकी जो इक्वेशन है ये 8 नंबर इक्वेशन थी हमारी, 8 नंबर इक्वेशन थी वी अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2 अपॉन वी डी की क्यू प्लस 1 अपॉन वी एल की क्यू। यहाँ पर ये वेलोसिटीज हैं, ये आपके ट्रांसवर्स वेव की हैं और ये आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वेलोसिटी यहाँ पे दे रखी है सॉलिड के लिए, और ये आपका वी है वो आपका वॉल्यूम था, ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा बराबर था जेड ओमेगा डी ओमेगा, यानी ये हमने कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात की थी। आप एक बार इससे जस्ट पहले वाले वीडियो जो है पार्ट फर्स्ट नाम से डीबोई मॉडल वो आप जरूर देखिएगा जिससे कि आपको ये कंटिन्यू आगे समझ में आ जाए जेड ओमेगा डी ओमेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जेड ओमेगा डी ओमेगा की जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे जेड ओमेगा डी ओमेगा इस इंटीग्रेशन के आगे, तो हमारे पास वी अपॉन टू पाई स्क्वायर टू अपॉन बी टी की क्यू प्लस वन अपॉन बी एल की क्यू, ये वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगी यहाँ पे, और ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा जो है इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है तो जीरो से ओमेगा डी इनकी लिमिट है, ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा बराबर इक्वल्स आ जाएगा 3n, इक्वेशन नंबर होगी 10। अब हम क्या करेंगे इसके बाद में, हमें आपको पता है कि ये तो कॉन्स्टेंट है ही तो हमें सिर्फ है इसका अपना इंटीग्रेशन करना है, तो ओमेगा स्क्वायर का हो जाएगा ओमेगा की क्यूब अपॉन 3, यानी मैं यहीं पर कर देता हूं इसका इंटीग्रेशन जो है, तो ये आएगा वी अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2 अपॉन वी टी की क्यूब प्लस में 1 अपॉन वी एल की क्यूब, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये ओमेगा की क्यूब अपॉन 3 होगा, ओमेगा की क्यूब अपॉन 3 होगा, और आप जब लिमिट लगाएंगे तो ये ओमेगा डी हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस में जो जीरो आएगा लोअर लिमिट का तो वो तो पद जीरो ही उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर आ जाएगा 3n यहाँ पर। अब हमें यहाँ से
ओमेगा डी की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नीचे टर्म्स है 2 पाई स्क्वायर और 3, तो यहाँ पर 3 इंटू 2 पाई स्क्वायर यानी हो जाएगा 6 पाई स्क्वायर और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 18 पाई एन स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में ओमेगा डी की क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू है उधर चली जाएगी 18 एन ए पाई स्क्वायर अपॉन में ये बी नीचे आ जाएगा और यहाँ पे ये टर्म्स वो आ जाएंगी 2 अपॉन बी टी की क्यूब प्लस के 1 अपॉन बी एल की क्यूब। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आती है और इस इक्वेशन के अंदर आप ओमेगा डी की वैल्यू हमने फाइंड की, इक्वेशन नंबर होगी ये 11। तो यहाँ से आपको जो डी बॉय फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू मिलती है ओमेगा डी की क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पे अपने पुट कर सकते हैं यहाँ से और हमें जेड ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमें जो अपने जेड ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू है वो हमें ओमेगा डी के अंदर भी फाइंड करनी है कि डी बॉय फ्रीक्वेंसी पे किस प्रकार से डिपेंड करती है कंपन विधाओं की संख्या। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अपॉन बी टी की क्यूब प्लस 1 अपॉन बी एल की क्यूब जो है यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी। यानी अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको हम रख लें और इसको हम इन दोनों स्टेप्स को उस साइड में ले जाएं तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और उसको जेड ओमेगा डी ओमेगा के लिए हम सोल्व करेंगे। तो हमारे पास जो है वो अपनी कंपन विधाओं की संख्या आ जाएगी डी बॉय आवृत्ति के अंदर। अब हम यहाँ से ओमेगा डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले ये जो टर्म है 2 अपॉन बी टी की क्यूब प्लस 1 अपॉन बी एल की क्यूब, इसको हम ऊपर लिखेंगे तो माइनस 1 के ऊपर लिखा जाएगा ये, यानी इसकी पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर लिखेंगे हम इसके मल्टीप्लाई में तो माइनस 1 आ जाएगी। और जब यहाँ पे मैं ओमेगा डी की वैल्यू फाइंड करूंगा तो उस साइड में जो है वो घन लगेगा 1/3, तो ये 18 पाई एन पाई स्क्वायर बटा वी जो है उसके ऊपर 1/3 आ जाएगी। और जो इसको मैं मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ तो माइनस 1 लगेगी, तो यहाँ पे माइनस की 1/3 आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है आप इसको भी इक्वेशन नंबर 11 है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो डी बॉय अंतक आवृत्ति की समीकरण है, डी बॉय अंतक आवृत्ति कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अंतक आवृत्ति की समीकरण है। एग्जाम में इतना भी पूछा जा सकता है कि डी बॉय अंतक आवृत्ति की समीकरण को ज्ञात करें। अब हम क्या करेंगे, जेड ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी सहायता से। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 जो थी वो ये थी, जेड ओमेगा डी ओमेगा बराबर 1/2 पाई स्क्वायर 2 अपॉन बी टी की क्यूब प्लस 1/ बी एल की क्यूब ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू जो है वो निकाल के इसमें पुट कर देता हूँ। तो इस समीकरण से आप देख सकते हैं 2 अपॉन बी टी की क्यूब प्लस 1 अपॉन बी एल की क्यूब, यहाँ से मैं इसको अलग कर दूं तो ये आपका 2 पाई स्क्वायर इंटू 3 यानी हो जाएगा आपका 6 पाई स्क्वायर और उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आएगा देखें 18 एन पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये बी है वो नीचे चला जाएगा, ओमेगा डी की क्यूब भी अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा डी की क्यूब और अपॉन में भी आ जाएगा और आपके पास वैल्यू आएगी 2 अपॉन बी टी की क्यूब प्लस 1 अपॉन बी एल की क्यूब। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को यानी इस वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना है इक्वेशन नंबर 10 में। तो आपको जो जेड ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, तो आप देख सकते हैं जेड ओमेगा डी ओमेगा का मान क्या आएगा, वी अपॉन 2 पाई स्क्वायर और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने ये निकाल दी ओमेगा डी के अंदर, तो ये रखेंगे तो 18 एन पाई स्क्वायर बटा ओमेगा डी की क्यूब डॉट वी और ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। अब ये वी है वो वॉल्यूम है आपका, तो ये कट जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 18 कट जाएगा, आ जाएगा 9 और आपके पास जो जेड ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू है वो आएगी 9 एन ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी की क्यूब और डी ओमेगा। तो इस प्रकार से आपका जो जेड ओमेगा डी ओमेगा है कुल कंपन विधाओं की संख्या जो है वो आती है 9 एन ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी की क्यूब डी ओमेगा। अब ओमेगा डी की क्यूब जो है ये ओमेगा डी ये तो कांस्टेंट है, अंतक आवृत्ति है और यहाँ पर जो कंपन विधाओं की संख्या जो है वो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं कि ये कंपन विधाओं की संख्या हमारी जो है वो ओमेगा स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है और बाकी इसमें कांस्टेंट चीजें हैं। तो इनका जब ग्राफ बनाया जाएगा तो इस प्रकार से इसका ग्राफ हम बनाते हैं, तो यहाँ पे ओमेगा आएगा, यहाँ पे आपका ओमेगा डी आता है आपकी जो फ्रीक्वेंसी है और यहाँ आती है कंपन विधाओं की संख्या जेड ओमेगा डी ओमेगा। तो इस प्रकार से इसका वेरिएशन जो है वो आता है अपनी कंपन विधाओं की संख्या का ओमेगा के साथ, ये ग्राफ आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी कि जब हमें ओमेगा को फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं बढ़ाते हैं तो हमारे पास जेड ओमेगा डी ओमेगा कंपन विधाओं की संख्या है वो इंक्रीज होती है, लेकिन वो डायरेक्टली ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, संरेखा की समीकरण जो होती है वैसे नहीं आएगी क्योंकि इसमें ओमेगा स्क्वायर है तो ये जल्दी वेरी होगा और ओमेगा डी जब हम वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा डी पे जाके जो है ये आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाता है,
इस प्रकार से हमने देखा कि डुबोई एप्रोक्सीमेशन में किस प्रकार से कंपन विधाओं की संख्या जेड ओमेगा डी ओमेगा को बताया गया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी ऑक्सीलेटर की जो मीन एनर्जी है माध्य ऊर्जा ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो ज्ञात करेंगे, कुल ऊर्जा भी ज्ञात करेंगे, और इसके बाद हम उसमें हाई टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर पे ये सब कंडीशन लगा के और स्पेसिफिक हीट अपनी जो सीवी है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर डुबोई में जो सिद्धांत उसमें कमियां क्या है ये सब चीजें हम बताएंगे। तो ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।